अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, बल्लारपुर तथा आसपास के शहरों और गांव में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई के लिए पुणे जाते हैं। रोजगार के लिए भी हजारों लोगों का आना जाना रहता है, किंतु चंद्रपुर और बल्लारपुर से सुविधाजनक ट्रेन ना होने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में जो ट्रेन उपलब्ध है वह सप्ताह में केवल एक दिन होने से इन विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतें होती है। समय पर सीट नहीं मिल पाती। ट्रेन संख्या 22-15-2 काजीपेट एक्सप्रेस को नियमित रूप से प्रतिदिन चलाई जाए या बल्लार शाह से पूना के लिए नई ट्रेन शुरू की जाए, यह मांग सामाजिक कार्यकर्ता दशरथ सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने राज्य के वन, संस्कृति व मत्स्य पालन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को इस संदर्भ में ज्ञापन भी दिया है। हाय, मेरा नाम आदित्य सिंह ठाकुर है। मैं साढ़े दो साल से पुणे में पढ़ रही हूँ MIT कॉलेज में। और जब भी मुझे टिकट करनी होती है, जैसे कि दिवाली में या फिर जो हमारा सेम ब्रेक होता है जुलाई में, उसके लिए टिकट्स मिलती नहीं है। उसके लिए एक दो महीने पहले से टिकट करनी पड़ती है और इतने सारे बच्चों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके वजह से वेटिंग लिस्ट पर चला जाता है या मोस्टली फिर डेट्स डिले हो जाती है। और अगर मुझे कभी बीच में आना होता है, जैसे फेस्टिवल्स में, दिवाली में या फिर गणेश चतुर्थी पर, जब मैं अभी आई हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वेटिंग लिस्ट में भी आ गया था। और फिर वही था कि प्राइजेस भी बहुत हाई हो जाते हैं, बस के प्राइजेस एस्पेशली हाई हो जाते हैं और बस मुझे सूट नहीं होती है। तो आई गेस ट्रेन ऐसी है जो सबको ही, सबके लिए रिलायबल है, तो सबको ही, आई गेस ट्रेन की दो वीक में अगर दो बार भी हो जाए या दो से ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छा। दशरथ सिंह ठाकुर, मैं माजी शहर अध्यक्ष भाजपा। मैं इस विषय पे सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो चंद्रपुर से जो पूना है, पूना के लिए यहाँ से बच्चों, जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, उसको आने जाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। और ये परेशानी आज से नहीं, कई सालों से है, लेकिन दिन ब दिन जो है चंद्रपुर और बल्लारशाह के जो बच्चे हैं विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने जाने के बाद उनको त्योहारों पे, दिवाली में, होली में कभी आना होता है तो वापस आने के लिए उनके पास कोई पर्याय नहीं है, ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन चलती है, वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन चलती है, लेकिन यहाँ की जो लोक संख्या है उसको देखते हुए कम प्रतिदिन यहाँ से चंद्रपुर से पूना एक ट्रेन चलाई जाना चाहिए, ये ऐसी हमारी मांग है। हम तो ये चाहते हैं कि आज इतना आधुनिक तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना चंद्रपुर से ही वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए जो पूना के लिए। मैं तो इसकी भी मांग करता हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो दिन ब दिन एजुकेशन के लिए वहाँ की जो संख्या है बढ़ते जा रही है दिन दिन, और वहाँ से जो ट्रेन के लिए आने जाने के लिए जो सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये मांग करता हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों से कि इस ये जो विकट समस्या है, विद्यार्थियों को इतनी तकलीफ होती है कि समय पे उनको टिकट नहीं मिलती, बस में जब आना होता है तो 4,000 रुपये की वो टिकट हो जाती है त्योहारों पे। ये जो मेरी ये जो भावना है, ये मेरी भावना सिर्फ एक पेरेंट्स करके, एक मेरी पालक करके है। ये मेरी दरख्वास्त है सभी जनप्रतिनिधि से कि कृपया इस जन समस्या को आप अपने स्तर पर उठाइए। और ये पूरी चंद्रपुर की जो समस्या है, अरे देखिए, गोंदिया से डायरेक्ट ट्रेन चलती है, अमरावती से डायरेक्ट ट्रेन चलती है, नागपुर पूना जाती है, मुंबई जाती है, चंद्रपुर से ही हमको सिर्फ प्रतिदिन हमारे लिए ट्रेन नहीं चलती है, बहुत बड़ी शोकांतिकता है। इसके ऊपर कृपया जनप्रतिनिधियों ने ध्यान देना चाहिए। मैंने सुधीर भाऊ को पत्र लिखा है, सुधीर भाऊ ने यह मुझसे आश्वासन किया कि इस विषय में हम जरूर पाठ पुरावा करेंगे और इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे। लेकिन सुधीर भाऊ तो अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि वे भी अपने स्तर पर इस समस्या को उठाए और ये समस्या एक जन समस्या है, इसको सुलझाने का प्रयास करें। महान्यूज 7 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, चंद्रपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूमधड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सेंटिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स, सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बैलतरोड़ी, नागपुर।